अगर कोई महिला या कोई भी पुरुष अगर खुद पैर पे खड़ा है तभी वो दूसरों की भी मदद कर पाएगा। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है इस समय JCI काशी शिवगंगा की प्रेसिडेंट नीतू सिंह जी। हम उनसे बातचीत करेंगे, कुछ वो सामाजिक सरोकार जो से संबंधित वो कार्य कर रही हैं, अच्छे कार्य कर रही हैं, उससे संबंध में हम बातचीत करेंगे। मैम, हमें पता चला है कि आप अपने संस्था की ओर से कुछ लड़कियों को, महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ हुनर सिखाती हैं, जैसे ब्यूटी से जुड़े या फिर मेहंदी लगाना या तमाम तरह की सिलाई कढ़ाई बुनाई। तो ये क्या प्रोजेक्ट है, आप लोगों की क्या सोच है इसके बारे में, कुछ हमें बताइए। चंदन जी, ये पहले तो ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, 2-3 साल से चला आ रहा था। तो कोविड के बाद सारे बोर्ड मेंबर्स का ये कहना था कि हम इसी प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ेंगे, और काफ़ी महिलाएं थीं, लड़कियां थीं, जिनका ये डिमांड था कि अगर हमें कुछ इस तरीके की मदद हो जाए तो हम 2 पैसे घर में आने लगेंगे। हमारे बेटियां हैं, अगर वो मेहंदी का कोर्स कर लेती हैं तो आसपास कहीं मेहंदी लगाना चली जाएंगी, एक ग्रुप बन जाता है उनका। हमारी बहुत सी मेंबर्स ऐसी हैं जिनका बुटीक का है, तो बुटीक की जो स्टिचिंग होती है उसका जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो जब वो बुटीक में वो लड़कियां जाएंगी, वो वहाँ पे सीखेंगी तो कस्टमर से कैसे डील करना है, किस तरीके के कस्टमर आ रहे हैं, तो कल को उनका अपना काम भी करना होगा तो भी कर लेंगे, और एक बुटीक में जाकर के काम करने का अनुभव उनका अपना अलग होता है। तो इन सब चीज़ों में हमारे जो मेम्बर्स हैं ये यही मदद कर रहे हैं, इसीलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे हमारी पास प्रेसिडेंट अनुपमा रहे हैं, उनका अपना होटल है, होटल का बिजनेस है, तो उनके यहाँ बेकिंग की क्लासेस, कुकिंग की क्लासेस चलती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो हफ्ते में 3 दिन क्लासेस चलती हैं, तो फ्री चलती हैं, उनको एक तो जॉब भी मिल जाएगा, प्लस उनको जो बेकिंग का काम है वो हुनर भी सीख लेंगी। तो हुनर से रोज़गार अगर किसी को मिलता है तो हम, मेरे हिसाब से ये हमारी यही उम्मीद भी है और इसको हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। क्या क्या इसमें ब्यूटी के अलावा क्या क्या स्किल आप सिखाती हैं, जैसे कई स्किल सिखाती हैं पता चला है? हाँ, जिस तरीके की महिलाओं की, लड़कियों की जो भी डिमांड रही है, जैसे हर लड़की मेहंदी नहीं सीखना चाहती है, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं या महिलाएं ऐसी हैं जो ये बोलती हैं कि हमें स्टिचिंग सिखा दीजिए, हम अपने आसपास कर लेंगे या बुटीक खोल लेंगे या बुटीक का उनको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो उन महिलाओं को हमारी संस्था की वो महिलाएं आगे आईं जिनका खुद का बुटीक है, उन्होंने रखा अपने पास, हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं जिनके पार्लर का काम है, तो उन्होंने अपनी संस्था में अगर 5 लड़कियां को उन्होंने रखा, उनको फ्री ब्यूटिशियन का वो कोर्स करा रही हैं, दे रही हैं, और अगर उनको जॉब बाहर नहीं मिलता तो वो उनके यहाँ भी जॉब कर सकती हैं। तो एक ये बेनिफिट तो उनको, लड़कियों को मिला कि जहाँ वो काम सीख रही हैं वहीं उनको जॉब भी मिल जा रही है, बाद में फ्यूचर में अगर उनके पास कुछ पैसा या मे बी गवर्नमेंट से वो लोन वगैरह लेके वो अपना खुद का भी पार्लर खोल सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारा प्रोग्राम है उम्मीद, और मुझे जहाँ तक लगता है जितनी महिलाओं का जो डिमांड था उसको हमने, जो जो हमारी महिलाएं इस चीज़ों से जुड़ी थी वो आगे आईं और उन्होंने इस चीज़ को, काम को आगे बढ़ाया। अच्छा, इसका क्या रिस्पांस है मैम, आप कितने दिनों से ये चल रहा है, कितनी लड़कियों को अभी आप तक अभी प्रशिक्षित किया? हमने इस चीज़ को काउंट तो नहीं किया, लेकिन लगभग 2-3 सालों का अगर डाटा उठा के देखें तो तकरीबन 36 लड़कियां और महिलाएं ऐसी हैं जिनको रोज़गार मिला है और वो काम कर रही हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास 12 से 13-14 के बीच की लड़कियां हैं संख्या में, जो अभी आगे आई हैं सीखने के लिए। आगे जैसे जैसे आती जाएंगी हम उनको अपनी इस प्रोग्राम से जोड़ते चले जाएंगे। अच्छा, जो ट्रेडिशनल स्किल हैं जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सब कहाँ सिखाती हैं बच्चियों को आप? जैसे जिनका बुटीक है वो बुटीक में, आप ही के संस्था में? बिल्कुल, मेरी संस्था से जुड़ी हुई ये महिलाएँ हैं जिनका ये योगदान है। अगर उनका अपना बुटीक है तो वो अपनी बुटीक में उन लड़कियों को बुला लेती हैं, उनका प्रशिक्षण वहीं पे होता रहता है। अनुपमा भाभी हैं हमारी पास प्रेसिडेंट, इनके होटल में बेकिंग का क्लासेस है, वो हफ्ते में 3 दिन आती हैं, वो बेकिंग का, कुकिंग का वो कोर्स कर रही हैं, वो सीख रही हैं, प्लस वो होटल का जो एटमॉस्फेयर है वो भी उस ऑब्जर्व कर रही हैं, सीख रही हैं। तो एक कहीं ना कहीं उनके अंदर का एक स्किल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है।
अच्छा नीतू जी, इस मॉडर्न समय में जहां अपने में ही लोग परेशान हैं, तो ये आपके दिमाग में कैसे आई सोच कि हम दूसरे के लिए करें, और इतना समय भी लगता होगा, आप चूंकि व्यापार से जुड़ी हुई हैं तो आपका भी अपना काम है, लेकिन कैसे निकालती हैं, कैसे ये सब चीज़ें आई? हमने एक नियम बनाया है कि हम महीने में कम से कम एक हफ्ता इन चीज़ों को देंगे। बाकी जो हमारी संस्था की जैसे काशी शिव गंगा की जो सदस्य हैं, सब इतनी एक्टिव हैं कि आधा काम तो आपका फ़ोन पे ही सॉल्व हो जाता है, और सबकी सब स्वावलंबी हैं, सब की सब कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में माहिर हैं, तो ये काम हमारे लिए बड़ा आसानी से हो जाता है। कोई चैलेंजेस हमारे सामने इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद पैर पे खड़े हैं। अगर कोई महिला या कोई भी पुरुष अगर खुद पैर पे खड़ा है तभी वो दूसरों की भी मदद कर पाएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो महिलाएं खुद अपने पैरों पे खड़ी, उन्होंने अपना एक इमेज बना लिया है, उन्होंने बिजनेस में एक अपना मुकाम हासिल कर लिया, उनके लिए ये काम करना बहुत मुश्किल नहीं है जो मुझे लगता है। इस प्रोजेक्ट को आगे क्या आप इसको और बढ़ाना चाहती हैं, क्या इस सोच है इसके बारे में जो आप कर रही हैं अभी? मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से चला आ रहा है और आगे कई सालों तक चलता रहेगा। जो भी हमारी आने वाली प्रेसिडेंट होंगी, जो पिछली प्रेसिडेंट हमारी थी, उन्होंने भी इस चीज़ को लेके काफ़ी काम किया, और हमारी आने वाली यहाँ तक कि मेरे सत्र में और आने वाली सारी प्रेसिडेंट के सत्र में ये काम चलता रहेगा, क्योंकि ये समाज से जुड़ा एक ऐसा काम है महिला सशक्तिकरण का, मुझे लगता है कि ये बंद नहीं होना चाहिए। धन्यवाद मैम आपका, आपने अपने संस्था के बारे में जानकारी दी, अपने कार्यों के बारे में जानकारी दी। ये थी हमारे साथ JCI काशी शिवगंगा की प्रेसिडेंट नीतू सिंह जी, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि वो कैसे युवतियों को और महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं तमाम स्किल के, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।